तो लास्ट डे कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने? सर होमवर्क बोले थे डिस्कस करेंगे। आज पढ़ लें क्या? नेक्स्ट डे डिस्कस कर लेगा तुम लोगों का मन हो तो बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो कहाँ तक पढ़ा था बोलो? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक बताए थे सर। ओके, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक बताया था। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक में क्वेश्चंस हम लोगों ने दो चार किए थे, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और उससे आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखो, ग्राफ आपने ड्रॉ किया था, दो तीन ग्राफ मैंने बोला था ड्रॉ करने के लिए, वो आपने किया था। अब देखते हैं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होता है। साइन क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है कि साइन मतलब आपको पता है कि उसका क्या पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो देखो, इसको भी मैं आपको एक टेबल के थ्रू ही बताता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये बातें हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ये सोचेंगे कि डी ग्रेटर देन जीरो होता है और बात हो रही है वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साइन की। ग्राफ मैंने आपको बताया था, तब उसके साइन की बात हो रही है। यहाँ भी ए जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ए बी सी तीनों क्या है? रियल नंबर है। ए बी सी तीनों क्या है? रियल नंबर है। तो इसके बाद डी ग्रेटर देन जीरो में आपने देखा है ग्राफ ऐसा होता है। तो इस ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तुम सोच के देखो, ये ग्राफ कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तो ये जहां पे कट कर रहा है, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, दोनों रूट्स उसके है ना, बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो अल्फा बीटा उसके दो रूट्स हो गए। तो ध्यान से देखो, तो अल्फा से पहले, अब आपको नॉर्मल जो ग्राफ का सीन होता है वो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ग्राफ में जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस होता है, तो इससे ऊपर वाई का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इससे नीचे वाई का वैल्यू नेगेटिव होता है, एक्स का वैल्यू इधर कम होता चला जाता है, एक्स का वैल्यू इधर बढ़ता चला जाता है, ये सब बातें आपको पता है। तो यहां भी देखो आप ध्यान से, तो अल्फा सर से कम वैल्यू देखें हम, अल्फा से कम वैल्यू अगर देखें फिर से तो समझा दीजिए। अभी स्टार्ट ही किया है, सुनो तो सही, अभी स्टार्ट ही किया है सुनो। तो देखो, तो अल्फा से कम वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? अल्फा से कम वैल्यू पे देखो, वाई का वैल्यू बढ़ता ही, माइनस होगा। अल्फा से कम वैल्यू रखे हैं तो हम लोग एक्स का वैल्यू नहीं देख रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, एक्स का वैल्यू नहीं देख रहे हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव, हम लोग वाई का वैल्यू देख रहे हैं कि अल्फा से कम अगर रखे तो वाई का वैल्यू बढ़ता चला जाता है। क्या दिख रहा है आपको? देखो बढ़ता ही चला जा रहा है ना, आ रहा है समझ में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस सर। यस। और बीटा से ज्यादा वैल्यू देखो, बीटा से ज्यादा वैल्यू में भी बढ़ता ही चला जा रहा है, अल्फा से कम में भी बढ़ता चला जा रहा है, बीटा से ज्यादा में भी बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, अब ये चीज आगे बहुत काम आने वाला है, तो आप अच्छे से देख लेना कि वाई मतलब ये पूरे का साइन, ये वाई, तो वाई इज पॉजिटिव इन, वाई पॉजिटिव होगा इन एक्स, या और भी मैथमेटिकल टर्म में लिखें तो फॉर ऑल
x belongs to minus infinity to alpha union beta to infinity. क्या मैंने कुछ गलत लिखा? बोलो, समझ में आया सबको? नो सर. यस सर. यस सर. है ना, अल्फा से कम में देखो पॉजिटिव है, बीटा से ज्यादा में भी देखो पॉजिटिव है. तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें. और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि y इज नेगेटिव इन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा. अब अल्फा टू बीटा के बीच में वो क्या है? नेगेटिव है. देख रहे हैं आपको, देख क्योंकि अल्फा से बीटा के बीच में देखो क्या हो रहा है, वो x एक्सिस के नीचे है. देखो अल्फा से बीटा के बीच में x एक्सिस के नीचे है ना, तो अल्फा से बीटा के बीच में नेगेटिव हो गया. हम लोग ये ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अल्फा से बीटा के बीच में नेगेटिव है, अल्फा से पहले पॉजिटिव है, बीटा के बाद पॉजिटिव है. आ रहा है समझ में? यस सर. आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा. यहाँ पे अब देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाए तो हम लोगों ने देखा है कि ये टच करके चला जाता है. तो ये ग्राफ देख के क्या समझ में आता है कि ये क्वाड्रेटिक का वैल्यू पॉजिटिव कब है, क्वाड्रेटिक का वैल्यू नेगेटिव कब है. तो देखो ध्यान से, तो एक्स एक्सिस के नीचे तो कुछ है ही नहीं, एक्स एक्सिस के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या कभी नेगेटिव हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा. तो इसका मिनिमम वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा? जीरो. इस केस में मिनिमम वैल्यू क्या होगा? जीरो, जैसा कि आपको दिख रहा है. तो यहां मैं लिख सकता हूं कि y इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी माइनस अल्फा, माइनस अल्फा. क्या मैंने कुछ गलत लिखा? अल्फा या फिर बीटा. माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स का वैल्यू आप कहीं भी देखो तो वो पॉजिटिव ही हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये अल्फा पे जीरो के इक्वल हो रहा है तो अल्फा पे तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रहा ना, अल्फा पे क्या हो गया? जीरो हो गया. तो क्या अल्फा कभी नेगेटिव होगा इसमें? क्या वाई कभी नेगेटिव होगा? क्या बोलो सर? नहीं समझे. देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो एक्स एक्सिस के नीचे तो कुछ भी नहीं है ना. बोलो जिसको नहीं समझ में आया था, एक्स एक्सिस के नीचे कुछ है क्या? नहीं सर. तो क्या कभी वाई का वैल्यू नेगेटिव होगा? नहीं सर. नहीं होगा. वाई का ही बात कर रहे हैं ना, ये ग्राफ किसका है? वाई का ग्राफ है. और ऊपर नीचे किसकी बात करते हैं? वाई की बात करते हैं. तो देखो y इक्वल टू है ना, ऊपर नीचे किसकी बात करते हैं? y की बात करते हैं. तो y का वैल्यू नीचे नहीं आ रहा है, मतलब y का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, y का वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा. ज्यादा से ज्यादा अल्फा पे वो जीरो हो सकता है. तो d डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो हो तो वो वैल्यू जीरो के इक्वल हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा ही रहेगा. अभी आया समझ में? तो देखो पॉजिटिव हमेशा पूरे नंबर लाइन पे, पूरा नंबर लाइन क्या होता है? मतलब माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी. तो पूरे नंबर लाइन पे वो पॉजिटिव ही दिख रहा है, सिर्फ अल्फा पे पॉजिटिव नहीं है. तो वही मैंने लिखा है कि y इज पॉजिटिव फॉर ऑल. इसका मीनिंग होता है फॉर ऑल. इसका मीनिंग क्या होता है? फॉर ऑल, पहले भी बताया मैंने, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी है ना, जिसमें से सिर्फ अल्फा को इंक्लूड नहीं किया. अल्फा पे क्या हो गया है? वो जीरो हो गया. अभी आया सबको समझ में? बोलो अच्छे से आना चाहिए समझ में. यस सर. तीसरे केस की बात करते हैं. तीसरे, ठीक है, तीसरे केस की बात करते हैं. अगर ग्राफ ऐसा हो तो क्या होगा? अगर ग्राफ ऐसा होगा तो कभी, अब तो चांस ही नहीं है कि वो जीरो के इक्वल भी हो जाए वाई का वैल्यू. तो आप देखना ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक ले लो जिसका रूट नहीं आ रहा है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन रूट नहीं आ रहा है. तो ये थर्ड वाला ही केस है ना, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो वाला. जिसका रूट नहीं आ रहा होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो जीरो के इक्वल भी नहीं हो सकता है. आप एक्स का कुछ भी वैल्यू डाल के देखना, एक्स जीरो डालो, वन डालो, वन बाय टू डालो, माइनस वन थाउजेंड डालो, माइनस टू लैक्स डालो, कुछ भी डालो, ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहने वाला है, फिक्स है. तो वही थर्ड वाले केस की बात कर रहे हैं हम लोग कि ऐसा कब होगा? अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो जाए और ए पॉजिटिव हो जाए,
और ए पॉजिटिव हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो जाए, तो फिर कभी भी पूरे y का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा। मैं बोल सकता हूं मैं कि y इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि बताओ y का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, तो आप क्या बोलोगे कि डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो हो जाए और a अगर पॉजिटिव हो जाए तो उस केस में क्वाड्रेटिक का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बहुत काम की चीज है, ये अभी नहीं आपको, ये बहुत जगह काम आएगा। आप ये समझो कि जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब भी इन सब चीजों की जरूरत पड़ सकती है, सारे चैप्टर में इन सब चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो इसको अच्छे से आप समझो, इसको ऐसा नहीं कि याद सिर्फ रखो, इसको समझो कि हो क्या रहा है ना, तो आप सीखोगे। तो जब कभी भी अपने को जरूरत पड़ेगा कि बताओ कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब होता है, तो क्या बोलोगे, अगर ए पॉजिटिव हो जाए और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। अब बात करते हैं ए लेस देन जीरो की। तो आप ग्राफ से सब दिखता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप ग्राफ को देखते रहो। अब इसका ग्राफ तो ऐसा होगा, आपको पता है, ये देख के आपको समझ में आएगा कि ये अल्फा है ये बीटा है। तो अब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये क्या रहेगा, बोलो कोई बताएगा यहाँ पे क्या होने वाला है, कोई कॉन्सेप्ट बोलेगा, बोलो खुद से बोल सकता है कोई यहाँ पे कब पॉजिटिव रहेगा कब नेगेटिव रहेगा। अब्दुल, y is negative for all x belongs to minus infinity to alpha union beta to all infinity infinity। ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, अल्फा से पहले वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अल्फा से वैल्यू मतलब एक्स का वैल्यू अल्फा से कम रखा है तो क्या है वैल्यू, देखो नेगेटिव है, मतलब वाई एक्स एक्सिस के नीचे है तो वाई का वैल्यू नेगेटिव है। वैसे ही बीटा से ज्यादा वैल्यू रखा एक्स का, देखो वाई का वैल्यू एक्स एक्सिस के नीचे है, फिर से वाई नेगेटिव है। तो अल्फा से कम पे भी नेगेटिव है, बीटा से ज्यादा पे भी नेगेटिव है। सीधा ये समझो कि इससे पहले जो ए ग्रेटर देन जीरो के लिए जो था उसका ये उल्टा हो गया है ना। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि वाई इज y is positive in alpha to beta। देखो हर जगह open bracket है क्योंकि alpha और beta पे तो zero के बराबर हो जाता है ना, तो वहाँ पे include क्यों करेंगे alpha और beta को। And y is negative in minus infinity to alpha union beta to infinity। आया समझ में, बोलो। Yes sir। बहुत आसान है ये, आप आराम से समझ सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक, सब लोग बोलो। नहीं सर। नहीं सर। नो सर। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसका भी अब तो खुद से आप लोग लिख सकते हो, इसका ग्राफ भी ऐसा होने वाला है। तो इसमें क्या कभी पॉजिटिव हो पाएगा क्या, तो आप देखना ऐसे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे परफेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर होता है तब तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होता है, जिस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन है। ये देखना ये कम से कम जीरो हो सकता है, जीरो से कम ये भी कभी नहीं होगा है ना। नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है लेकिन ये जीरो हो सकता है, तो इसको ऑलवेज पॉजिटिव नहीं बोल सकते, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो को ऑलवेज पॉजिटिव नहीं बोलते है ना, क्योंकि ये जीरो के इक्वल हो सकता है। हाँ लेकिन ये बोला जाए अगर कि जीरो या जीरो से बड़ा तो फिर बोल सकते हैं हाँ डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो इस केस में अगर स्टार्टिंग में एक माइनस लगा दूं तो देखना अब ये वैल्यू कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, चांस ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है था कुछ और उसके पहले एक नेगेटिव साइन लगा दिया, तो अब क्या कभी हो पाएगा, वो पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। तो ये इसमें क्या बोलूंगा कि वाई इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस अल्फा। ये पॉइंट तो अल्फा ही था ना, अल्फा बीटा जो बोल दो, बट दोनों तो इक्वल ही था तो वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। और इस केस में वाई इज ऑलवेज नेगेटिव। वापस से आपको कंडीशन पूछेगा कि बताओ कोई भी क्वाड्रेटिक का वैल्यू, क्वाड्रेटिक की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक के रूट की बात नहीं कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक का वैल्यू मतलब ये पूरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू, उस पूरे क्वाड्रेटिक का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट एक्स के वैल्यू पे
कब हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो हमेशा नेगेटिव के लिए ए को नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना। ए देखो, ए नेगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ए और डिस्क्रिमिनेंट दोनों नेगेटिव हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव रहेगा, और अगर ए पॉजिटिव रहे लेकिन डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव रहे तो फिर वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आया? सब लोग बोलो यस सर। यस सर। यस सर। चलो कॉपी कर लो जल्दी, कॉपी कर लो। D equals to zero और A less than zero वाला फिर से समझाइए। ये देखो ना, D equals to zero है, less than zero तो उसको touch करके जाएगा, touch करके जाएगा तो x-axis के ऊपर कुछ नहीं है, तो हमेशा positive कभी नहीं हो पाएगा, positive कभी नहीं हो पाएगा, तो हमेशा क्या रहेगा, negative रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, zero के बराबर हो सकता है, वही लिखा है मैंने, ठीक है? Yes sir. हो गया? Yes, sir. बाकी लोगों ने भी लिख लिया? जल्दी बोलो। नहीं सर। एक मिनट सर। लिखो 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 जल्दी। हो गया, ठीक है। क्या हो गया ना? यस सर, हो गया। यस सर। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग इस पे करके बताओ, सोचो अच्छे से, टाइम दो और बार बार देखो क्या किया जा सकता है, वो उस चीज को लिखो, है ना, उस चीज को लिखो। इफ सी इज ग्रेटर देन जीरो, अब सी क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो कांस्टेंट होता है वो सी होता है, एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस थ्री सी इक्वल्स टू जीरो डज नॉट हैव एनी रियल रूट, देन साइन ऑफ ए माइनस टू बी प्लस थ्री सी विल बी, इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वैसे होगा।
क्या कोई कुछ बोलना चाह रहा है? बोल सकते हो अब्दुल, मैसेज कर दो अगर आपको नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है तो। ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और कोई? और कोई आंसर? पॉजिटिव होगा सर। अच्छा, पॉजिटिव, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ कुछ बोल रहे थे मैं, अब्दुल बोलो। अब्दुल, ओके, देखो कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टू बी एक्स प्लस थ्री सी इक्वल्स टू जीरो। देखो ध्यान से, अब इसका कोई रूट नहीं है, कोई रूट नहीं है। तो रूट नहीं है मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ये बात आपको समझ में आया? डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया मतलब क्या? या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा। या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट का यही मतलब होता है। तो a अगर ग्रेटर देन जीरो रहा तो ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर a लेस देन जीरो रहा तो ऑलवेज नेगेटिव। ये देखा ना हम लोगों ने? बोले, समझ में आ रहा है? yes, ठीक है। तो अब यहाँ पे a पॉजिटिव है या नेगेटिव, अपने को वो सोचना है। तो देखो, अगर हमेशा a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ क्या रहेगा? ग्राफ ऐसा रहेगा। और a नेगेटिव रहेगा तो ग्राफ कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। अब c की बात करते हैं। यहाँ पे c उसने पॉजिटिव दिया था, तो हमेशा अगर पॉजिटिव होगा तो c कौन सा होता है? जहां पे y एक्सिस को कट करता है, जहां पर y एक्सिस को कट करता है। इतना पता है आपको? जहां पे y एक्सिस को कट करता है वही होता है ना? आ रहा है समझ में? बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरे सबको? yes, sir. Yes, sir. तो y एक्सिस यहां पे कट करता है। तो अगर अगर ऐसा ग्राफ होगा, मतलब कि हमेशा ऊपर ही रहेगा, तो y एक्सिस को जहां कट करेगा वो पॉइंट तो पॉजिटिव ही होगा। और अगर नीचे की तरफ ग्राफ रहेगा तो y एक्सिस को कहीं भी कट करे वो तो x एक्सिस के नीचे ही रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इससे ये पता चलता है कि c अगर ग्रेटर देन जीरो है, देखो ध्यान से, c ग्रेटर देन जीरो कब होगा? जब वो x एक्सिस के ऊपर कट करेगा, क्योंकि c क्या होता है? जहां पे y एक्सिस को कट किया जाता है ना? तो a ग्रेटर देन जीरो के केस में c भी ग्रेटर देन जीरो रहेगा अगर d नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन से ही वो स्टेटमेंट समझ में आता है कि इफ, देखना ध्यान से, इफ discriminant is negative, if d is negative, then sine of a c and y are same. अब ये मैंने क्या बोल दिया? discriminant negative है तो देखो दो बातें होंगी। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो या तो ए पॉजिटिव होता है या ए नेगेटिव होता है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो
तो ए पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा, ऊपर जाएगा। तो कहीं भी वाई एक्सिस आप कहीं भी रखो, ये सब में कोई भी वाई एक्सिस हो, तो देखो जहां पे कट कर रहा है वाई एक्सिस को ये ग्राफ, वो क्या है एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहने वाला है, तो उस केस में सी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उस केस में सी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर ए लेस देन जीरो है तो ग्राफ कैसा होगा, नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ भी सी भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा और वाई भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है कि नहीं? देखो इसमें वाई तो हमेशा पॉजिटिव थोड़ी देर पहले देखा था, सी भी देखो पॉजिटिव ही आ गया और ए भी पॉजिटिव था। और ए लेस देन जीरो में अब देखो वाई भी हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और सी भी क्या है, एक्सेक्ट कुछ भी वैल्यू रखो वाई एक्सिस को कहीं भी रखो, जहां पे वो ग्राफ को कट करेगा वो पॉइंट तो एक्स एक्सिस के नीचे ही रहेगा ना, मतलब सी भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो देखो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव रहा तो देखो ए भी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, और अगर ए नेगेटिव हो गया तो सी भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। ये आप स्टेटमेंट, अब यहाँ पे हमेशा आप देख लो आपको सी पॉजिटिव हो गया, तो सी पॉजिटिव है तो क्या होगा, सी पॉजिटिव है तो डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो तो फिर हमेशा अगर y equals to ax square plus 2bx plus 3c, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि c भी पॉजिटिव था। आया समझ में? तो हम लोग a के जगह पे c भी रख सकते हैं कि a और c में कुछ भी पॉजिटिव हुआ, a पॉजिटिव तो y भी हमेशा पॉजिटिव, c पॉजिटिव तो भी y हमेशा पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहा। अब इसकी बात करें कि a minus 2b plus, क्वेश्चन ये नहीं था कि इसके बारे में नहीं पूछा था, किसके बारे में पूछा था, a माइनस टू बी प्लस थ्री सी के बारे में पूछा था। तो क्या वो रख सकते हैं, अपनी मर्जी है, x के किसी भी वैल्यू पे ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है, x के किसी भी वैल्यू पे ये क्वाड्रेटिक हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। तो x का वैल्यू मैं क्या रख देता हूँ, बोलो, x का वैल्यू अगर मैं माइनस चाहिए तो माइनस वन रख देता हूँ, x का कोई भी वैल्यू रखो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो x का वैल्यू मैंने माइनस वन रख दिया, तो बताओ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह माइनस वन रखो, प्लस टू बी इंटू माइनस वन प्लस थ्री सी इक्वल, सो वाई इक्वल टू क्या आ गया, ए माइनस टू बी प्लस थ्री सी, ये क्या रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो दिस इज ग्रेटर देन जीरो, तो साइन क्या रहा, पॉजिटिव। बोलो समझ में आया, सब लोग बोलो अच्छे से। यस सर। नहीं सर, हम अभी आए। यस सर। ठीक है सोनू, सर एक बार फिर से, लेट से आए, बहुत क्यों लेट से आए, मैं वो पूछो, वो तो पता है मुझे तुम लेट से आए, क्यों लेट से आए, पता नहीं था, पता नहीं था, टाइमिंग देखोगे ना, तुम क्या कंफ्यूज हो गए थे क्या, 11 बजे से क्लास, ऐसा लगा था तुमको, ऐसे गलत में लिखा 12th में, अच्छा तो लेकिन बोल दिया था ना तुमको एक लेक्चर में कि 12th की जगह पे भी अब 11th का ही होगा, क्या तुम भूल जाते हो, बोले थे याद रखा करो, कोई बात नहीं, मैं आज के लेक्चर का जुगाड़ एक अच्छा सा कर दूंगा, फिर बताऊंगा कि क्या जुगाड़ किया मैंने, तुम आराम से पूरा लेक्चर तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है, आज के लेक्चर का मैं जुगाड़ कर दूंगा, लेकिन सिर्फ आज का। तो ठीक है, देखो किसी को समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कि अब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव था, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने के बाद या तो पूरे वाई का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर हमेशा नेगेटिव होगा, वाई का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर हमेशा नेगेटिव होगा, तो जब हमेशा पॉजिटिव होगा तो देखो मतलब पूरे x एक्सिस के ऊपर रहेगा, तो x एक्सिस के ऊपर रहेगा तो y एक्सिस को जहां पे कोई ग्राफ कट करता है उस पॉइंट पे, ये पॉइंट कौन सा होता है, मैंने बताया था आपको c, यही तो होता है ये पॉइंट c तो है, तो c भी वहां पे क्या दिख रहा है आपको, x एक्सिस के ऊपर दिख रहा है, मीन c भी पॉजिटिव है ना, और अगर वह x एक्सिस के नीचे होता है तो c भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, c भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखो ध्यान से कि अगर y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो c भी पॉजिटिव है, y का वैल्यू हमेशा नेगेटिव है तो c भी नेगेटिव है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि if discriminant c negative positive कैसे होता है, यही नहीं समझ में आता, c negative positive कैसे होता है, जैसे कि ax square plus bx plus c है, इसमें c मतलब कि अगर मान लो ऐसा लिखा होता 2x square minus 3x minus 7, अब बताओ c पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव, नेगेटिव। तो अब इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, हम लोगों को कुछ नहीं है पता, y equals to ये ऐसा लिखा हुआ है, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि ये ग्राफ y एक्सिस को कहां कट करेगा, तो y एक्सिस को कहां कट करेगा, उसके लिए क्या चाहिए,
x का वैल्यू जीरो रख दो, है कि नहीं, y एक्सिस को कहां कट करेगा, x का वैल्यू क्या रख देंगे, बोलो कौन था, जीरो जीरो रख देंगे, तो x को जीरो, x को जीरो रखोगे आप तो देखो जीरो जीरो, तो y का वैल्यू क्या आ रहा, माइनस सेवन, तो x जीरो y माइनस सेवन किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, मतलब कि इसका जैसा भी ग्राफ होने वाला है ये y एक्सिस को यहाँ कट करने वाला है, आया समझ में, yes, और अगर ऐसे लिखा होता 3x square plus 8x plus 2, अब इसमें आप रख के देखो x equals to 0, तो y equals to क्या आ रहा है 2, मतलब वो ग्राफ 0, 2 से पास होगा, तो x 0, y 2, तो अब देखो ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, पॉजिटिव में कट करेगा, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ, जिसे भी डाउट था, किसे डाउट था, यशवंत, यस सर, तो वही बात मैं बताना चाह रहा था कि आप ये स्टेटमेंट याद रख सकते हो, ऐसे ही कहीं भी डाउट हो तो पूछा करो, और तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपका सारा डाउट क्लियर ना हो जाए, नहीं तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, अगर यहीं पे दिक्कत रह गया तो डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो ए सी और वाई, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म, वाई क्या है पूरा क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब वाई, तो इन तीनों का साइन सेम रहेगा, मतलब या तो तीनों पॉजिटिव होगा या तीनों नेगेटिव होगा, कब, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो, आया समझ में, यस सर, सब लोगों को, यस सर, यस सर, कॉपी कर लो, चलो कॉपी कर लो जल्दी, उसके बाद और भी दो चार इस पे एग्जांपल कराता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा, जल्दी, अब हो सकता है कि जल्दी ही मीटिंग एंड हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत कनेक्ट कर लेना वापस से वही लिंक पे क्लिक करके, सब लोग, जस्ट होने ही वाला है खत्म,